नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमिक। दोस्तों आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे। उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी है। लोग खुश रहते हैं वो मजबूत मनोबल के मालिक होते हैं, और जिनके पास मनोबल मजबूत होता है दोस्तों, वो किसी भी समस्या से घबराते नहीं, और उनकी अडिगता और साहस और धैर्य को देखते हुए वो समस्याएं अपने आप किनारा कर लेती हैं, रास्ता बदल लेती हैं। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि आप कंडीशन चाहे जो भी रहे, लेकिन आप खुश रहें, कंडीशन अपने आप बदल जाए, ये मेरा दावा। दोस्तों आज मैं आपको एक शत्रुनाश की बहुत ही पावरफुल वीडियो देने जा रहा हूँ। ये जो उपाय है ये करने में बहुत आसान है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है बहुत पावरफुल है। दोस्तों ध्यान रहे, ये उपाय का प्रयोग आप तभी करें जब आपको लगता है कि शत्रु आपसे ताकत में बहुत ज़्यादा बलवान है और वो आपको बिल्कुल बर्बाद कर देने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों किसी छोटे मोटे लड़ाई झगड़े के चलते आप इस क्रिया का प्रयोग बिल्कुल ना करें। तो ये शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाएं। वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों में शेयर अवश्य करें और लाइक भी करें। चलिए दोस्तों आपको करना क्या है। दोस्तों इस क्रिया को महिलाएं और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। इस क्रिया को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, कभी भी, लेकिन ये करना शाम के समय है। तो इस वीडियो को आप किसी भी दिन, इस वीडियो में दिया गया प्रयोग आप किसी भी दिन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आपको करना क्या है। आपको शाम के समय एक क्रिया का प्रयोग करना है। आपके आसपास या नजदीक में कहीं भी देखें, बबूल का पेड़ अगर आपको मिल जाता है तो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि ये क्रिया आपको बबूल के पेड़ के नीचे करनी, उसके जड़ या तना से लगभग एक फीट की दूरी, उसका जो तना है या जड़ है उससे एक फीट आसपास का दूरी आप पसंद करें। वहाँ आप जाएं और साथ में आप कपूर की गोटी लेके जाएं। आपको शत्रु का नाम मालूम हो तो आप पहले से गिन लें कि शत्रु के नाम में कितने अक्षर। अगर आपके शत्रु एक से ज्यादा है, अगर आपके शत्रु एक से ज्यादा है तो आप फिर वहां शत्रु का नाम ना लिख के वहां आपको शत्रु लिखना है, तो आपको कपूर की सिर्फ दो गोटी लेकर जाना है। और अगर नाम लिखना है तो नाम में जितने भी अक्षर आपके आते हैं उतनी गोटी गिन के ले जाना है।
अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज्यादा अगर शत्रु है तो फिर आप वहां शत्रु लिखें। जिस बबूल के नीचे आपको वो लिखना है नाम या शत्रु, उसी बबूल की आप लकड़ी ले लें और बबूल के नीचे जो जमीन है, चाहे वो कच्ची है या पक्की है, कोई भी टाइप की जमीन है, उस जमीन पे या तो शत्रु का नाम लिख दें प्रॉपर, और अगर एक से ज्यादा शत्रु है तो आप उस लकड़ी से जमीन पे या पक्की जमीन है फर्श है तो भी आप लकड़ी से ही लिखें। छपे ना छपे उसकी कोई आपको वो नहीं करना, बस आपको लिख देना है शत्रु या नाम। फिर से बता दूं, अगर नाम है तो नाम में जितने अक्षर हैं उतनी कपूर की गोटी ले जानी है और उतनी ही आपको लौंग लेके जाना है फूल वाले। और अगर शत्रु लिखना है तो आपको दो कपूर की गोटी और दो लौंग लेके जाना है। वहां वो नाम लिखना है या शत्रु लिखना है उसके ऊपर शुरुआत के अक्षर पे एक लौंग रख दे, शत्रु लिखा है तो, और दूसरे अक्षर पे एक कपूर की गोटी, सबसे पहले दोनों जगह कपूर की गोटी रख, उसके बाद फूल वाली लौंग रखें कपूर की गोटी के ऊपर और आपको माचिस की तिल्ली से उसको जला देना है। जितनी देर जले उतनी देर आपको शत्रु अगर लिखा है तो शत्रुनाश बोलते रहना है, और अगर नाम लिखा है तो वो नाम बोलते हुए उसका नाश, नाम जो भी बोले नाश हो जाए इस टाइप का आपको बोलते रहना है जब तक कपूर और लौंग ना जले। ये जल जाए कंप्लीट, ध्यान रहे जलने से पहले आपको वहां से नहीं जाना, कंप्लीट जल जाए कपूर और लौंग, उसके बाद आपको लेफ्ट पांव से उस जगह पे 3 लात मारनी है जोर से और बस बिना पीछे देखे आपको घर चले जाए। घर पे जाते हाथ मुंह धोए कुल्ला करें और आप अपने घर में। आपका शत्रु उसके जीवन में वो कहीं भी कांटे ही कांटे उसको मिले, वो कहीं भी सचेत नहीं हो सकता है। दिन प्रतिदिन उसकी जो भी संपत्ति है, उसकी जो भी ताकत है, जो भी शक्ति है, जो भी उसका अस्तित्व है, वो माइनस 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 और कुछ ही दिनों के अंदर वो भीख मांगने की कंडीशन में आ जाएगा और वो जहां भी जाएगा वहां उसका तिरस्कार ही हो, उसको कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो वो आपका तो क्या बिगाड़ेगा, वो अपने आप को नहीं संभाल पाएगा और धीरे धीरे वो नष्ट हो जाएगा। करते रहिए दोस्तों इसको करने या समझने। अगर आपको कहीं कोई असुविधा हो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछें अवश्य। नमस्कार।